हाय एवरीवन वेलकम टू जी केमिस्ट्री गाइस अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चन सीरीज में हमने काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री केमिकल कनेक्टिस ग्रुप थियरी और भी आई थिंक ये दो तो चैप्टर और भी हो गया होगा तो जो एंटायर प्लेलिस्ट है उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म और आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आज वीडियो इस टाइम पे कैसे अपलोड हो गई है तो रीजन सिर्फ इतना सा है कि मुझे आज, आज आई आई टी जैम की अनाउंसमेंट भी करनी है तो वो वाली वीडियो भी अभी आएगी क्योंकि मुझे पता है कॉमेंट्स फिर से आएंगे कि मैम अनाउंसमेंट आज भी नहीं हुई है तो अनाउंसमेंट आज होगी पहले आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन देख लो तो स्टार्ट करते हैं कई सारी चीजें हैं मैं पहले ही बोल रही हूं आपको पता है हर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट डालने की तो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट ना हो इसलिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ऑप्शंस को भी देख लेना अच्छे से जब आंसर निकालते हो ना फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है सॉल्व करने के बाद जो आपने रफ शीट पे निकाला है अगर स्पेसिफिकली कोई न्यूमेरिकल अगर है तो ऐसे ध्यान से देखो शीट पे क्या लिखा हुआ है मार्क किसको कर रहे हो कभी कभी ऐसे होते हैं हम आंसर एकदम करेक्ट निकालते हैं लेकिन मार्क करने में पता चला ए मार्क करना था बी मार्क कर दिया तो ऐसे वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें ना कई सारे कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाएंगे अब ना गाइस एक चीज देखो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बाय चांस ये नहीं पता कि स्पायरो कंपाउंड क्या होता है ब्रिज कंपाउंड क्या होता है या फिर फ्यूज सिस्टम क्या होता है तो फिर तो ना आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को करो ही मत क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बना भी लोगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे डिफरेंस क्या होता है स्पायरो और ब्रिज में तो फिर तो नहीं हो पाएगा ये और जो ये क्वेश्चन है ना जो ये सारे ही क्वेश्चन हैं ये आई आई जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आप भी सारे सॉल्व करके देखेंगे खुद से ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले H2SO4 टू फोर है प्रोटोनेट करेगा दोनों में से किसी को भी करवाओ क्योंकि दोनों ही सेम है, लेट से मैंने इसको प्रोटोनेट करवा दिया ठीक है तो ये वोटर यहाँ से आराम से निकल सकता है वोटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ओ एच नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप में हम वोटर निकाल देंगे यहां से और वोटर निकालने के बाद हमें ये मिलेगा ओ एच अपने प्लेस पे रहेगा यहाँ पर आ जाएगा कार्बोटाइन अब ये वैसे तो टर्शरी कार्बोकोटाइन है और टर्शरी कार्बोकोटाइन स्टेबल भी होता है लेकिन अगर आप कुछ भी करके इस कार्बोकोटाइन को इस वाले कार्बन पे लेकर आओगे तो पीछे से इसको ऑक्सीजन के लोन पेयर्स मिल जाएंगे बैक बोर्डनी से ज्यादा स्टेबिलाइज हो जाएगा ठीक है क्या करेंगे फिर यहाँ पर हम हमें रिंग ओपन करवानी पड़ेगी वैसे भी इसमें स्ट्रेन भी है वो स्ट्रेन भी रिलीज हो जाएगा और साथ ही में कार्बोकोटाइन भी ज्यादा स्टेबिलाइज हो जाएगा तो नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखो मैं चाहती हूँ सेकंड वाली पोजीशन पे कार्बोकोटाइन बनाना तो इसको वैसे माइग्रेट करवाएंगे अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होते हैं ना तो ऐसे दिखा करो आपको इससे जहाँ पे कार्बोकोटाइन बना हुआ है ना उसके नेक्स्ट वाली कार्बन को अल्फा बोल दो उससे नेक्स्ट वाली को बीटा बोल दो आपको क्या करना है जहाँ पे कार्बोकोटाइन है वो और जो बीटा है उसका आपको बोन्ड बनाना होता है और अल्फा वाली पोजिशन में प्लस लगाना होता है इस तरह से भी आप कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे बनने वाली है फाइव मेंबर रिंग इस तरह से करके तो हमने ये वन है ये फाइव है इसका बोन्ड बना दिया टू के ऊपर अभी कार्बोकोटाइन आएगा और टू के ऊपर ओ एच भी लगा हुआ था पहले ये थ्री है और ये फोर है दिस इज कार्बन नंबर टू अब वन के साथ ये फोर है इतना क्लियर है तो बैक साइड से अभी आ करेंगे इसको हम लोन पर दिलवा देंगे तो ऐसे करके हम ये दिखा सकते हैं डबल बोन करके ऐसे ऐसे ठीक है ये बन गया नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे एच प्लस निकाल दो एच प्लस हमने निकाल दिया तो हमारे फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट आया है क्लियर है इतना अब इसमें ऐड करवा रहे हैं हम एन ए बी एच फोर

यहाँ से ऐसे करा और अभी कहे ये ऐसे है फिर से वही वाली बात ये कार्बोकोटाइन ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन क्या करना है हमें प्लस वाले कार्बन का और बीटा वाले का बोन्ड बनाना है और अल्फा भी प्लस लगाना है तो यहाँ पर तो आ गया प्लस और ये बन गई एक फाइव मेंबर रिंग एक सेकेंड ओहो एक मिनट ये नहीं बन पाएगी आज ऐसे अब ठीक है इस तरह से ठीक है चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो इसको काब नंबर वन मान लो ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव ठीक है तो ये वन है ये टू है थ्री फोर एंड फाइव इतना ठीक है अब ये हमने बना लिया इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद देखो अब ये प्लस आ गया यहाँ पे हम इसको तो करवाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो एश लगा हुआ है इसको निकाल देंगे यहां से एश प्लस को बाहर निकाल देंगे वापस से तो क्या बनेगा ये फाइव में जा रहा डबल बोन्ड और यहाँ पे फिर इसमें इस तो ये है, ये है एक जो एटम है वो शेयर हो रहा होता है दो रिंग्स में ठीक है मतलब इसमें एक कॉमन एटम जो है वो दो रिंग का पार्ट होगा जैसे यहां पे ये वाली कार्बन है देख हो ये होता है कंपाउंड ब्रिज क्या होते है जैसे सपोज करो मैंने ये बनाया ये मेरे पास सिक्स मेंबर रिंग है मैंने इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये एक ब्रिज बना दिया इसको हम बोलते हैं ब्रिज सिस्टम फ्यूज सिस्टम क्या होता है जिसमें एक कॉमन बॉन्ड होता है जो दो रिंग का पार्ट होता है जैसे यहाँ पे स्पायरो में एक एटम होता है कॉमन और फ्यूज में एक बॉन्ड कॉमन होता है तो क्या कैसा है अपने पास फ्यूज सिस्टम है हम ऑप्शन सी मार्क करेंगे क्लियर है आगे चलते हैं यहां पर आते हैं क्वेश्चन को एकदम ध्यान से करना अपना जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के रखना ठीक है उसके बिना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन और जल्दी बिल्कुल नहीं करनी आपको टाइप क्वेश्चन है एक या फिर एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द साइमन स्मिथ रिएक्शन इज और आर तो ये तो हम इसको देखते ही पहचान देगी है तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या होता है उसमें अगर हम सिंपल अपना ये ले सपोज ये इसमें डालेंगे रीजन क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन ठीक है ना यहाँ से बेसिकली आपका सी एस टू कार्बीन आपको आर मिल रहा होता है यहाँ से ठीक है तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे पहले तो वीडियो को करके खुद से सॉल्व कर लेना अब आगे सुनो लेनाट्रॉन डेफिशियंट है इलेक्ट्रॉन है 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 इस चीज आपको भूलना नहीं ठीक अटैक कहाँ पे करेगी इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड पे क्लियर है ओके अब ना ये देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं हमारे पास यहाँ पे दो डबल बोन्ड है ना तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा कैसे बताएंगे अब ना हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो ये वाला डबल बोन है इसके साथ में लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिस्टी को विड्रॉ कर रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके कंपैरिजन में ये वाला डबल बोन थोड़ा ठीक ठाक है मतलब इससे बेटर है ठीक है क्योंकि यहाँ पे अगर आप लगाओगे ऑक्सीजन का तो सिर्फ़ लगेगा जबकि पे -M लग रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इसके ऊपर तो इस अटैक करेगा ठीक है ये इससे कंबाइन होगी क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम चाहिए ठीक है तो पहले तो यही बनेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इसको छोड़ के ये इसके ऊपर अटैक कर दे इतना ठीक है ओके अब ना यहाँ पे एक्सेस एक्सेस कुछ लिखा नहीं हुआ दिया पूछा है पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से कौन से हैं तो फर्स्ट देखो ऑप्शन ए हमें दिख रहा है कि दोनों ही बोन्ड्स को बेसिकली रिएक्शन दोनों बोन्ड्स पे हुई है और दोनों में ये बना है तो ये पॉसिबिलिटी है अगर हम एक्सेस में डाल देंगे रीजन फॉर एक्सेस में ले लेंगे तो चाहे पहले तो यही होगा हंड्रेड परसेंट पहले यही बनने वाला है लेकिन कुछ टाइम के बाद थोड़ा स्लो होगा रिएक्शन बट स्टिल ये बन जाएगा ठीक है तो इसके चांसेस हैं मतलब ये बन सकता है फिर यहाँ पर आते हैं देखो ये ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में क्या करवाया हमने कि कार्बीन जो है वो इस वाले डबल बोन को छोड़ के इस वाले डबल बोन पर अटैक कर रही है जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है इसलिए यह तो बिल्कुल नहीं बनेगा यहां पर आते हैं हाँ ये बन सकता है कि पहले तो इसने अटैक करना है इसके ऊपर ठीक है ना ये बन सकता है और ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि कार्बीन क्या होती है इलेक्ट्रॉन ड्रिज डबल बोन पर अटैक करती है कार्बन डबल बोड पे अटैक नहीं करेगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी पॉसिबल अगर सिर्फ ये बोलते हैं तो, ये ये है, तो अटैक करके ये बनेगा अभी मैंने पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से होंगे तो ये तो किसी हाल में नहीं बनने वाला है यही बनेगा अगर हम एक्सेस में ले लें तो फिर यही बनेगा ठीक है आगे चलते हैं ये भी एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन ही है ये पता है मेरी वीडियो के साथ ना कुछ ऐसा है जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ डोगी की आवाज आपको आ रही होगी ना मतलब इसको कुछ है ऐसा जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू ना मतलब आवाजें शुरू हो जाती है तो भी इसको भी पोस्ट नहीं करी मुझे बेवजह एडिट करना पड़ेगा वीडियो में हम डायरेक्टली करते हैं ठीक है थीके? प्लीज इग्नोर करना है इसको आप क्वेश्चन में ध्यान दो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू मेजर ऑफ मैन प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाओ फटाफट से ये क्वेश्चन जो हैं जेम गेट नेट सब में आ सकते हैं आपको जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस ओके okay, तो सबसे पहले क्या होगा इसके पास लोन पेयर्स हैं ठीक है यहां से हमने आई माइनस निकाला अटैक करवा दिया मिथाइल के ऊपर ठीक है क्या बन जाएगा सी एच थ्री प्लस ठीक है नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं बनाते हूँ वापस ये बन गया दो एच लगे हुए हैं एक लगा हुआ है सी एच थ्री इधर है प्लस नेक्स्ट में एच प्लस निकाल देंगे ठीक है ऐसे हो जाएगा और बाकी आप ऐसे रहने दो

ठीक है या फिर यहां से निकाल दो अगर हमने ये निकाला तो ये होगा बन रहा है 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 और अगर यहां से निकाला हमने तो यहां बनेगा double bond. तो बनेगा वो क्या हमें डिसाइड करना है कौन सा बनेगा अब क्योंकि ये ग्रुप है यहाँ पे ये बल्कि है बल्कि होने की वजह से अगर आपका सब्सिट्यूट बल्कि होता है तो फिर वहां पे हॉफमेन प्रोडक्ट बनता है इसलिए यहां पे क्या होगा इसको आप ऐसे लिख लो एक अलग से दिखा लो तो ये ऐसे होगा यहाँ से वैसे के वैसे रहने दो दोबल बी एच टू बन गया और यहाँ पे लगा हुआ है टर्शरी रहेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो कि है है हॉफमैन हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब ये तो दे रहा है यहाँ पर आते हैं इस बार जो बेस है वो बल्कि है तो अगर बल्कि बेस है जैसे मान लो मैंने इसको यहां से निकाला तो आपके पास दो ऑप्शन हैं एक तो इन दोनों में से किसी को निकालो या फिर यहाँ से निकालो अब ये वाला है कंपैरेटिवली क्या है ंडर्ड है ये वाला क्या है इसीलिए अप्रोचेबल है तो क्योंकि यह हिंडर्ड बेस है मतलब थोड़ा सा बल्कि बेस है कहां से निकालेगा यहां से दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका यह बन जाएगा यह भी क्या है आपका हॉफ मैन प्रोडक्ट है इसको भी मार्क कर दो नेक्स्ट पे आते हैं ए जी एनओ थ्री है ए जी प्लस एनओ थ्री माइनस इसको देगा यहां से आप प्लस बनाओगे इसको निकालेंगे नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आता है यहां से निकालें या फिर यहां से निकालें देखो अगर इस वाला एच को निकाला तो ये बनेगा सब्सटीट्यूटेड ठीक ठीक है, है। है? है? बन रहा है. अगर से से निकालोगे, तो तो आएगा, ये ये बनेगा आपका major product, इस तरह करके, अब है, वैसे तो है, लेकिन इस प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर जो ये डबल बुने जाएगा कॉन्जुगेशन में तो क्योंकि बन रहा है तो सेफ ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे भी हॉफमेन बनेगा ठीक है ध्यान रखना देखो दो तीन चीजें होती हैं एक तो अगर आपका सबस्ट्रेट बहुत बल्कि है तो हॉफमैन के चांसेस होते हैं एक आपका बेस बहुत बल्कि है तो हॉफमैन बनता है या फिर अगर हॉफमैन से कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बन रहा है तो भी हॉफमैन करवाएंगे अब आता है यहां पर एक एच यहाँ है एक एच यहाँ पर है ठीक है निकल दोनों ही सकते हैं दोनों से ही एंटी बन रहा है ठीक है यहां से इसको हम निकाल देंगे यहां से अटैक करवाएंगे यहाँ से भी अटैक करवाएंगे अगर ये निकाला तो ये सबस्टिट्यूटेड बनेगा मतलब सेट सेफ है यहां से करा तो हॉफ मैन बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा हम सबसे टूटी करवाएंगे सेठ सेफ ये यहां पे कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं बाकी देखने वाला और ये मिथाइल पे क्या बनेगा सेट सेफ जो है वो मेजर बनेगा ठीक है बनेगा ये वाला भी लेकिन वो माइनर रहेगा मैंने क्या पूछा है मेजर हॉफ मैन प्रोडक्ट इसमें बन रहा है तो इसमें नहीं बनेगा बाकी दिनों में बनेगा ठीक है अब चलते हैं एन ई टी टाइप क्वेश्चन पे अच्छे से रीड करना उसके बाद सॉल्व करना द नंबर ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन वेयर द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड जहां पे फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल नहीं है आपको वो वाले रिएक्शन बताने हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी जैम और गेट दोनों में आ सकता है नेट में भी आ सकता है तो आपको कॉन्सेप्ट फोकस करना है जैसे आपको दिखिए सिक्स मेंबर रिंग है रिएक्शन करवाना है तो बस आपको उसको फटाफट से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है तो यहां हमें दिख रहा है कि ओवे OH जो है वो नीचे की साइड है एन एच टू ऊपर की साइड है और फिर एक कार्बन लीव करके ये ऊपर की साइड है इस तरह से है है ना ये क्या करेगा एन एन टू एस सी एल यहां से एच एन ओ टू आएगा फिर क्या करेगा वो इसको चेंज कर देगा एन टू प्लस में डाइजोनियम सोल्ड बन गया ठीक है इतना आप कर लेंगे इसके बाद देखो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो यहां पर है ये सिग्मा बोंडिस का एंटी बॉन्डिंग ठीक है अब जो इसका एंटी बॉन्डिंग हो क्या इसके पैरेलल है

नेक्स्ट स्टेप में H निकाल देंगे क्या बनाइए तो इसको मैं इसे इस ऐसे लिख सकती हूँ रिंग है उसमें एक तो ऊपर की साइड सी एच ओ लगा हुआ है ऐसे करके देखो ऊपर की साइड है ना ऊपर की साइड लगा हुआ है और एक कार्बन लीप करके ऊपर की साइड ही क्या लगा हुआ है टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है इसमें तो कार्बोनिल आ गया दैट मीन ये तो रिएक्शन नहीं है क्या पूछे नोट अ कार्बोनिल कंपाउंड ओके इसके बाद कहा पर यहाँ आते हैं ठीक है या फिर कौन सा करू पहले मैं ये करती हूँ थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में यहाँ आते हैं तो इस केस में क्या है ओएच नीचे की साइड ही है एनएच टू ऊपर की साइड ही, सेम, सेम ही है ना और ये क्या है ऊपर की साइड है दोनों अच्छा एक सेकेंड ए कार्बन लीव करने के बाद नीचे की साइड ओएच है और इसमें ऊपर की साइड एन टू है ये ऐसे ऐसे है ठीक है ए कार्बन लीव करके डैश पे ओएच उसके नेक्स्ट पे हाँ, अब ठीक है क्या होगा पहले ये डाइजोनियम सोल्ड बनेगा ठीक है इधर लगाएंगे हम प्लस इसके बाद देखो इसका एंटीबॉडी कहां पर है नीचे की साइड ठीक है इसके पास लोन पेयर्स है ये डाल देगा इसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर तो क्या होगा इसको निकालेंगे इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो ऐसा करके नीचे के साइड से ऐसे बोन बन गया इधर प्लस आया हुआ है और ये ऊपर ऐसे ही रहने दो उसको नेक्स्ट क्या करेंगे को निकाल देंगे ये बन गया इसको कैसे दिखाएंगे प्लेनर फॉर्म में ऐसे दिखाया हमने ठीक है और ये अपनी पोजिशन पर ही है ऊपर की साइड अब एक कार्बन लीव करके डैश पे मतलब नीचे की साइड क्या करना है लगाना है तो यहाँ बन रहा है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं है तो ये रिएक्शन है वो हमारा आंसर एक बाकी आते हैं यहाँ पर आते हैं इस वाले केस में क्या करेंगे यहाँ पर ये ऊपर की साइड है ऐसे एक कार्बन लीव करके ऊपर एन एच टू नेक्स्ट पे ओबे ऊपर की साइड फिर से वही वाली बात है पहले इसको डाइजोनियम सोल्ड बनाएंगे ऐसे अब ये अपना ऐसे है यहाँ पे सामने होगा सीएल माइनस ठीक है तो यहाँ पे सिग्मा स्टार है किसके पैरेलल है इसके पैरेलल है ये डालेगा तो क्या होगा फिर से फाइव मेंबर रिंग बनेगी ऐसे ऊपर की साइड ये इधर आया प्लस इधर एक एच लगा हुआ है यहाँ पर ये है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा फिर से पहले वाले केस में क्या था यहाँ पर वैसे हो जाएगा सी एच ओ बन गया इसमें कैसे दिखा सकती हूँ बिल्कुल सेम बनेगा ये वाला प्रोडक्ट ये ठीक है मतलब फिर से कार्बोनिल है तो ये भी नहीं है इसका आंसर यहाँ पर आते हैं

ठीक है तो ये दोनों रहेंगे ऐसे वाले रिएक्शन जिसमें कंपाउंड नहीं मिल रहा इपोक्साइड मिल रहा है तो आंसर लिखेंगे टू दो रिएक्शन ऐसे हैं जहां पे फाइनल प्रोडक्ट एक कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है लास्ट ध्यान से करना आपको आता है ये प्रिपरेशन करिए ना आपको पक्का आता है ये ध्यान से करना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स फॉर्म इन अ रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ टू इंटरमीडिएट्स एक कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन हो रही है आपको ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी उसमें तो जो ये स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या हम ये बता सकते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं थोड़ा सा डायग्राम बना बनाते हो आप देखना कहां तक पहुंच पा रहे हो सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया क्या इसमें इंटरमीडिएट है एक ये बनाया हमने ठीक है और एक मैंने लेट से ये बना दिया इस तरह से एक सपोज ये बना दिया ऐसे कुछ भी बना दिया ठीक है और फिर एक मैंने कुछ ऐसे बना दिया एक कुछ ऐसे बना दिया ऐसा हमने देखोगे ना बुक्स में बने हुए बस यहीं से आइडिया लगाना है तो एक चीज आप ध्यान रखना जब भी हम ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट तो जब भी कोई इंटरमीडिएट बन रहा होता है किसी रिएक्शन में उसको ऐसे वैली पे दिखाते हैं ऐसे मतलब एक ऐसे वैली जैसे इसको बोलते हैं जो ये बस ना ऐसी कैविटीज भी बनी है इसको वैली बोलते हैं ठीक है तो अगर इंटरमीडिएट बना है उसको हम इस तरह से दिखाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ये इंटरमीडिएट है ये है ट्रांजिशन स्टेट ये भी क्या है ट्रांजिशन स्टेट तो इस वाले केस में एक इंटरमीडिएट है और दो ट्रांजिशन स्टेट है ठीक है इस वाले केस में एक सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है यहां पर आते हैं एक इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट ये भी क्या है ट्रांजिशन स्टेट और ये भी क्या है ये ये कर्व भी क्या है 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 ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट स्टेट तो इंटरमीडिएट एक दो यहां पर आते हैं एक इंटरमीडिएट ये है एक इंटरमीडिएट ये है ठीक है तो यहां पे दो इंटरमीडिएट है ट्रांजेक्शन स्टेट कितनी है ये भी ट्रांजिशन स्टेट ये भी ट्रांजिशन स्टेट ये भी ट्रांजिशन स्टेट यहां पर आओ एक है इंटरमीडिएट एक इंटरमीडिएट ये भी ट्रांजिशन स्टेट ये भी और ये भी

तो आंसर थ्री आई होप आपने कुछ कुछ नया नया सीख लिया होगा आज वाली क्लास में है ना जो मिस्टेक्स हुई हैं आपको पता होगा पक्का तभी आपने किया है वो क्वेश्चन तो जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको कहीं प्रॉपरली नोट डाउन कर लो ताकि आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर पाओ गेट वाले स्टूडेंट्स वैसे टाइम नहीं बचा है सोचो बस ये फाइनल रिविजन समझो इस चीज को ठीक तो है तो अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं हैप्पी लर्निंग मुझे अपना बताना कि फेवरेट क्वेश्चन कौन सा लगा आपको ठीक है बाय टेक केयर